अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान करें, आमीन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ज़बरदस्त सी मिठाई आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ। ये मैंने दूध दिया है हाफ किलो, आधा किलो मैंने दूध दिया है, उसमें 1 टेबल स्पून मैंने इलायची पाउडर डाला है और मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पनीर। ये पनीर हैगा 1/2 kg। तो ये मैंने दूध में मिक्स कर दिया है पनीर, और इसी के साथ मैंने 5 टेबल स्पून पाउडर यूज़ किया है, मिल्क पाउडर, कोई सी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ मैंने इस्तेमाल किया है कंडेंस मिल्क, ये एक पूरा कंडेंस मिल्क का स्मॉल 10 हैगा। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मेरे हिसाब से तो चीनी बहुत है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसी के साथ मैंने इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड किया हैगा, और आहिस्ता आहिस्ता देखें इसमें थिकनेस आनी शुरू हो गई है। इस टाइम थोड़ा सा केयर करना है, इस वक्त काफ़ी बुलबुले होते हैं तो ये आपकी छींटों पे पड़ सकते हैं, हाथों पे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है क्योंकि मैं मीठा हमेशा घी से बनाती हूँ, ये देखिए। फिर उसके साथ आपके फेवरेट जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इसमें ऐड करें, और इसको थोड़ा सा और पकाने की ज़रूरत है। जब ये अपना पैन छोड़ने लगेगा तो इट मींस कि आपका खोया रेडी हो गया है। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। और ये तो बहुत मोस्ट फेवरेट है सब लोगों की, हर घर की पसंद होती है खोए की मिठाई खाना, बर्फ़ी खाना। बहुत सारी मिठाइयों में और बर्फियों में और हलवों में इस्तेमाल होता है खोया, तो मैं हमेशा घर में ही बनाना पसंद करती हूँ। सारी होममेड चीज़ें होती हैं मेरी रेसिपीज़ में। ये देखिए हमारी खोया बिल्कुल डन है, इसने अपना पैन छोड़ दिया है, इट मीन्स कि ये डन हैगा। ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो बिल्कुल सेटल हो जाएगा। तो बस इसको डिश आउट करते हैं। ये मैंने डिश ली, इसमें बटर पेपर लगाया है घी लगा के, और फिर इसके बाद मैंने इसको सेटल कर लिया है अपनी डिश में। अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट जिसके ऊपर डालिए, इसको सेट कर लें, लेवल कर लें, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद फिर इसकी आप कटिंग करिए। जो भी पीस डायमंड शेप में करना हो या स्क्वायर शेप में करना हो, जो आपकी च्वाइस हो। तो बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब आप लोग के लिए आने वाली है ज़बरदस्त रमज़ान की रेसिपीज़। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बहुत आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को सारी आसान रेसिपीज़ बना सकूँ, वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो घर में मौजूद हो। खोया बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, कोशिश करें कि घर में बनाएं और आसानी से बन जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त बर्फ़ी बनी है खोए की, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। इसकी थिकनेस देखें, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनी थी। मेरे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैं ज़्यादातर तमाम मिठाइयाँ और जितनी चीज़ें हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही बनाऊँ और घर वालों को हेल्दी दूँ। पनीर से ये मैंने बनाई है, और पनीर बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो कोशिश करें अपने घर में ये चीज़ें बनाएं, बहुत कम मिकदार में और कम पैसों में आपकी ये चीज़ तैयार हो जाएगी और सबको बहुत पसंद आएगी। और मैं तो स्टोर करके रखती हूँ, ये देखिए, आप इसको चाहें तो स्टोर करके भी रख सकते हैं आसानी से फ्रिज में। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।